नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका। और आज हम बात करने वाले हैं कुबोटा MU5501 के बारे में। चलिए कंपनी क्या क्या इसके फीचर्स देती है पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये CDI टेक्निक है, इसके अंदर फोर वॉल्व सिस्टम है, मतलब हर पिस्टन के साथ चार वॉल्व हैं, दो इन के लिए दो आउट के लिए। बूस्ट कंपनसेटर है यहाँ पर और बैलेंस शाफ्ट है जिससे ट्रैक्टर में कंपन कम होती है और आवाज़ भी कम आती है। और ट्रांसमिशन की बात करूँ तो यहाँ पर सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स मिल जाएगा आपको कार के जैसा, जिसके पास गियर लगाते समय आपको दिक्कत नहीं होगी। और स्टैंडर्ड PTO मिलेगा, इकोनॉमिक PTO मिलेगा, रिवर्स PTO मिलेगा, लोअर लिंक के साथ 2100 kg की कैपेसिटी मिलेगी, एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल मिल जाएगा, 5-in सेरोमेटिक ड्यूअल क्लच मिलेगी आपको ज़्यादा समय तक टिकाऊ। और चलिए अब रिव्यू उसका स्टार्ट करते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई बता देता हूँ, आपको वजन बता देता हूँ। 55 HP का ये ट्रैक्टर है। इसका वजन की बात करें तो 2200 kg इसका वेट है। व्हील बेस 2100 mm का है। जो लंबाई है वो 3250 mm की है। चौड़ाई इसकी 1850 mm की है। GC इसका 415 mm का है ग्राउंड क्लियरेंस। और टर्निंग रेडियस इसका 2850 mm है एक ब्रेक मारोगे तो। और डेक डिजाइन जो है फुल प्लेट है। और डीजल टैंक इसका 65 लीटर का है। टायरों की बात करूँ तो MRF के टायर मिलेंगे इसमें 16-28 के, आगे के भी 750-16 के हैं। MRF की कुबोटा MRF के टायर देती है और एक एक्साइड की बैटरी देती है। इसके अलावा बाकी टायर नहीं मिलेंगे। सामने बम्पर की अगर मैं बात करूँ तो आपको 2.5 क्विंटल का बम्पर मिल जाता है इसमें। और ज़्यादा वेट बढ़ाना चाहो तो और ज़्यादा वेट भी ले सकते हो। और चलो इसकी बात करूँ तो कलर इसका आपको सेफ्रॉन कलर मिल जाएगा। जो ट्रैक्टर का कलर है वो सेफ्रॉन है और जाली का जो कलर है वो ब्लैक। और यहाँ पर कुबोटा लिखा हुआ बड़े अक्षरों में। MU5501 ECDIS इंजन, फोर वॉल्व सिस्टम जैसा कि मैंने बताया, दो इन के लिए दो आउट के लिए, मतलब 16 वॉल्व हैं इसमें, टोटल 16 वॉल्व है। डिजाइन बाय कुबोटा इन जापान। ड्यूअल PTO है इसमें और ये पूरी इसकी सर्विस पॉइंट है, सर्विस गाइडेंस है, देख लो आप। ये इसका वाटर सेपरेटर दे रखा है यहाँ पर और साथ में दो बड़े डीजल फिल्टर दे रखे हैं। और ये यहाँ पर डोजर वगैरह लगाने के लिए स्लॉट दे रखे हैं, देखिए डोजर लोडर लगा सकते हो आप। और पावर स्टीयरिंग की बात करूँ तो पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाता है इसमें डबल एक्टिंग रॉड के साथ, मतलब लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। और यहाँ पर इसकी खास बात करूँ तो यहाँ पर जो सेंटर पिन है वहाँ पर बुश दे रखे हैं। सेंटर पिन में बुश देने की वजह से सेंटर पिन खिसकने के जो चांस है बहुत कम हो जाते हैं, मतलब आप लंबे समय तक ट्रैक्टर को ऊपर खाबर जगह में चला सकते हो। और यहाँ पर जो पावर स्टीयरिंग की सील है इसकी 5 साल की वारंटी है, टोटल ट्रैक्टर में 5 साल की वारंटी है और कोई हिडन वारंटी नहीं है इसकी। सामने से लाइट देख लो आप, कुबोटा का लोगो है। और रिम का कलर है इसमें सेफ्रॉन, ट्रैक्टर के जैसा ही है। इधर से भी वही है, एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल मिल जाएगा आपको। अपनी श्रेणी में सबसे चौड़ा एक्सल मिलता है आपको, ये जो चौड़ाई है अपनी श्रेणी में सबसे ज़्यादा मिलती है आपको कुबोटा MU5501 में। स्पेंडल इसके चौकोर है। साइलेंसर इसका काफ़ी थिन है, काफ़ी पतला है और ये जाली दे रखी है ताकि साइलेंसर गर्म हो जाए तो कई बार किसान ऊपर चढ़ते समय अगर इसमें हाथ लगा ले ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ते समय तो हाथ ना जले, ये जाली दे रखी है। प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा फुट रैक दे रखा है। प्लेटफॉर्म इसका जो डेक है वो फ्लैट है, फ्लैट में मिलेगा आपको। और इधर बात करूँ तो ये आपका, ये आपकी सेल्फ हो जाती है। चलिए ये हेडलाइट दे रखी है, इसकी क्लासिक सी है, कोई ज़्यादा डिज़ाइन अच्छा नहीं है इसके हेडलाइट का, ठीक ठाक डिज़ाइन है। और पीछे भी कोई ठीक ठाक डिज़ाइन ठीक ही है। ये ब्रेक हो गया, ये इंडिकेशन हो गया। पीछे की बात करूँ तो मडगार्ड सेफ्टी रॉड दे रखी है, दोनों मडगार्डों को आपस में जोड़ के रखने के लिए, इससे वाइब्रेशन भी कम होता है पीछे मडगार्ड में। गद्दे लगवाना चाहो तो डीलर से कह के लगवा सकते हो। पीछे की लिफ्टों की बनावट की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त लिफ्ट की बनावट है इसकी, काफ़ी मजबूत है। और हिच है, हिच के आपको 8-9 स्लॉट मिल जाते हैं और इसी के बीच में आपको PTO मिल जाता है 540। ये यहाँ पर आप PTO को समझ सकते हो 540-750। इस लीवर को नीचे करोगे, ये PTO लीवर यहाँ पर दे रखा है, साइड में नहीं है, सीट के साइड में नहीं है, यहाँ पर दे रखा है। इसको नीचे करोगे तो 540, इसको ऊपर करोगे तो 750 चक्कर मिलेंगे। अगर आपको 750 चक्कर वाला नहीं चाहिए इसमें तो आपको रिवर्स PTO का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर यहाँ पर रिवर्स PTO आ जाएगा आपको ऊपर करने पे, तो 750 नहीं मिलेगा, 540 मिलेगा, 540 और रिवर्स। और अभी इसमें 750 और 540 है जो कि स्टैंडर्ड और इकोनॉमी है कहती है कंपनी इसको।
और मैं पीटीओ साफ दिखा देता हूँ आपको। ये 6 पे लाइन आपको पीटीओ साफ मिल जाएगी। अगर मैं पीटीओ के रेटेड आरपीएम की बात करूँ तो स्टैंडर्ड पीटीओ जो 540 है वो 2300 आरपीएम पे ऑपरेट होगा। इको जो कंपनी बोलती है 750 वो होगा आपका 2200 आरपीएम पे। और जो रिवर्स पीटीओ अगर आप ऑप्शन में लेते हैं तो 540 रिवर्स पीटीओ मिलेगा आपको, वो मिलेगा 2150 आरपीएम पे। तो 540 2300 आरपीएम पे, 750 2200 आरपीएम पे और 540 2150 आरपीएम पे। लिफ्टों की बात करूं तो लिफ्ट जो इसकी है काफ़ी मजबूत लिफ्ट है जैसे कि आप देख पा रहे हो। और जो सबसे सिंगल पॉइंट लिंक है या इसको लोअर लिंक भी कह सकते हैं लिफ्टों का, उसमें लिफ्टों की जो कैपेसिटी है वो आपको मिल जाती है 2100 केजी की। और आपको यहाँ पर ऑक्सिलरी वॉल जो मिलती है ये अलग से दे रखा पल्टी प्लाउ के लिए। देखिए ये पल्टी प्लाउ या हैरो चलाने के लिए अलग से ऑक्सिलरी वॉल का सिस्टम दे रखा है इसमें। और ये ट्रॉली उठाने के लिए अलग से दे रखी है। बड़ी ट्रॉली हो तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो तो, और अगर सिंगल ट्रॉली है आपकी, सिंगल ऑक्सिलरी वॉल्व की ट्रॉली है तो फिर यहाँ से उठा सकते हो। ये लाइटिंग के कंट्रोल्स दे रखे हैं, रेडियम आर दे रखी है, हिज दे रखी है। और ये दे रखा है आपको पीछे टूल बॉक्स प्लास्टिक का है। ये बोतल होल्डर दे रखी है, 1 लीटर की बोतल आएगी। एडजस्टेबल सीट है, ऊपर नीचे हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है। अभी सीट कंफर्ट कितनी है तो ऊपर चढ़ के पता चलेगा। और जो पीछे का हिस्सा है वो स्ट्रेट है और प्लानेटरी ड्राइव के साथ आता है, प्लानेटरी ड्राइव के साथ। और क्या रह गया, वायरिंग देख लीजिए आप, पूरी सेफ वायरिंग दे रखी है। मडगार्ड के अंदर दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा है, ऐसा कुछ मडगार्ड के अंदर ट्रैक्टर, ठीक है। और छतरी मिलेगी आपको नीली, वो वाली छतरी भी लगा सकते हो आप, दूसरे टाइप की जो जॉन्डियर ट्रैक्टरों में आती है, डीलर को कह के उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। और पीटीओ में ये सीधा रबड़ दे रखा है, इसको इजीली आप ऊपर नीचे अंदर बाहर कर सकते हो। और ये पीटीओ का ऑयल डालने के लिए यहाँ पर यहीं से आप ऑयल डाल सकते हो इसमें। और चलिए अब मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ और ऊपर चढ़ के बात करते हैं। ऊपर चढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर रबड़ बिछा हुआ है ये इसलिए बिछा रखा है ताकि यहाँ पर गियर बॉक्स की जो गर्मी है किसान के पैरों तक ना आ पाए, चलाने वाले के पैरों तक ना आए। और ये देखिए यहाँ पर डिस्टेंस भी दे रखा है। इसका जो प्लेटफॉर्म है ये इसके ट्रैक्टर की मेन बॉडी से काफी ऊपर उठा के बनाया गया है ताकि ज्यादा हीट किसान पे ना आए और यहाँ से गियर बॉक्स को पूरी एयर मिल सके। चलिए ऊपर चलते हैं। इस टाइप का कुछ ट्रैक्टर का डिजाइन देख लीजिए आप, इसमें आपको डिफरेंशियल लॉक भी मिल जाता है। ये डिफरेंशियल लॉक है, हनुमान गियर भी जिसको कहते हैं। और ये इसके मेन गियर्स हैं और वो इसके रियर गियर हैं। और इस ट्रैक्टर में रिवर्स गियर नहीं है। चलिए ऊपर चलते हैं। और ये इसकी क्लच और ये इसकी OIB ब्रेक्स। अगर दोस्तों मैं इसके क्लच की बात करूं, जैसा कि आप मेरा पैर देख पा रहे हो, तो 5 पिन सर्वोमेटिक ड्यूअल क्लच मिलती है आपको जो 25% तक अधिक टिकाऊ है, ऐसा कंपनी का कहना है। और यहाँ पर ब्रेक्स की बात करूं तो OIB डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएंगी। ये आपका फुट एक्सीलेटर हो गया। और ये जो लीवर दिख रहा है छोटा सा, ये है आपका हैंड ब्रेक, ये हैंड ब्रेक लग गई। और ये चाबी की स्लोटर। और ट्रैक्टर की खासियत है चाबी से ही चालू होता है, चाबी से ही बंद हो जाता है। ये हैंड एक्सीलेटर है, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये इसका हैंडल है, यहाँ पर कुबोटा का लोगो है, ये इसका हॉर्न है। और ये लाइटिंग के कंट्रोल्स हैं इसके पूरे। यहाँ मोबाइल चार्जर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, दिखेगा तो मैं बता दूंगा। अब बात करते हैं इसके गियरों की। तो गियर में जो आपको ट्रांसमिशन मिलेगा, गियर बॉक्स मिलेगा, वो है सिंक्रोमैश गियर बॉक्स। 3 तरह के इंडिया में गियर बॉक्स मिलते हैं, स्लाइडिंग मैश, कॉन्स्टेंट मैश और सिंक्रोमैश। सिंक्रोमैश गियर बॉक्स की क्या खासियत है, जब आप ट्रैक्टर को चलाते हो किसी भी स्पीड में किसी भी गियर को आप लगा सकते हो, जैसे आप कारों में यूज करते हो, तो गियर लगाने में कोई भी आपको आवाज़ नहीं आएगी और आसानी से आपके गियर लग जाएंगे। तो दोस्तों आप गियर बॉक्स की बात कर रहे हैं, जो सिंक्रोमैश गियर बॉक्स है ये इसके मेन गियर्स हैं, लो हाई वाले। यहाँ पर आपको ये लो है, ये न्यूटन है, ये रिवर्स है। रिवर्स क्यों है, इसमें शटल मैश गियर बॉक्स है। मतलब आप किसी भी गियर में ट्रैक्टर को चला रहे हो, अगर आपका ये वाला गियर चौथा लगा हुआ है और यहाँ से आपको चौथे ही गियर में, जैसे JCB वगैरह में, हार्वेस्टर वगैरह में होता है, फुल स्पीड में आप रिवर्स भी ले सकते हो शटल मैश गियर बॉक्स की वजह से। और ये है इसका पीटीओ का क्लच, यहाँ से आपको ये पीटीओ की क्लच आपको लगानी पड़ेगी। ऑफ है ये, ऑन है इस तरफ करोगे तो। ये पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा है, रिवर्स, न्यूटन, लो और हाई, ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं।
और ये देख लो इस तरह का दिखता है कुछ ट्रैक्टर ये। ये इसका टूल बॉक्स है, चलो नहीं खोलते इसको, रहने देते हैं। और इधर आ जाइए तो ये है आपके लिफ्टों के लीवर, पोजीशन और ड्राफ्ट। और यहाँ से आपकी अगर ब्रेक को अलग करना चाहते हो, सिंगल ब्रेक यूज करना है, तो इस पिन को बस आपको हल्के से हटाना है। और ये लाइटिंग के कंट्रोल जैसा मैंने बताया। चलिए अब ट्रैक्टर को स्टार्ट करके इसका साउंड सुन ले और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी स्टाइलिश इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है इसने। जीरो वाइब्रेशन है ट्रैक्टर में, जीरो वाइब्रेशन। तो दोस्तों नीचे उतर के अब इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है। दोस्तों बोनट ओपन करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस ट्रैक्टर में डबल चैम्बर है जैसे कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर इंजन के सामने चेसिस दे रखा है, जो कि इंडिया में किसी भी ट्रैक्टर में अभी तो अवेलेबल नहीं है, जो ये चेसिस दे रखा है यहाँ पर इंजन पे। तो इससे इसकी जो मजबूती और सामने का वेट है वो काफी अच्छा रहेगा। चलिए बोनट ओपन कर लेते हैं अपन। तो दोस्तों 12 वीडियो शूट कर रहा था, उस वो ट्रैक्टर सेल आउट हो गया था, रिबन बंधे थे इसलिए बोनट ओपन नहीं हो रहा था। चलिए अंदर आके 55 है इसी का मैं इंजन दिखाता हूँ अंदर से आपको। इसके लिए आपको पिन करनी है और इसमें ये शॉकअप लगा होगा, सिंगल शॉकअप, इससे ये बोनट आपका खुल जाता है। अंदर से बोनट कुछ इस तरह का है और ये एक्साइड की बैटरी है, कंपनी एक्साइड की बैटरी और सिर्फ MRF के टायर ही देती है। ये कूलेंट स्पेस वाटर टैंक है यहाँ पर कूलेंट डालने के लिए। ये आपका एयर फिल्टर है, एयर क्लीनर ड्राई टाइप मिलेगा आपको। और ये 55 HP का टर्बो चार्ज इंजन है जिसमें जो पंप लगा हुआ है, कंपनी वालों का कहना है कि इसमें पंप कुबोटा का ही है, 4 सिलेंडर डीजल इंजन है ये 55 HP का। चलिए इधर मैं आपको दिखा देता हूँ उसका टर्बो वगैरह। और ये जो आप बॉक्स देख पा रहे हो ये साइलेंसर है, क्या बाहर स्लिम हो सके साइलेंसर, इसलिए इसको यहाँ पर फिट कर दिया गया है अंदर। और मैं बात करूं इसके इंजन की तो ये 34 CC का इंजन है आपका इसमें। और ये फैन बेल्ट वगैरह है और ये व्हाइट कलर का आपको फैन मिल जाएगा अंदर, प्लास्टिक का है ये। और ये आपका अल्टरनेटर 36 एम्पियर का। और मैं अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं, इलेक्ट्रिक की, तो 12 वॉट मिल जाएगी आपको, 40 एम्पियर का ये मिलेगा आपको अल्टरनेटर। और जो बैटरी सप्लाई है, स्टार्टर मोटर जो है 12 वोल्ट और 2.2 किलोवाट की। तो देख पा रहे हो आप ये बोनट इतना ही खुलेगा। और ये रेडिएटर है इसका, बड़ा साइज का रेडिएटर मिलेगा ताकि ट्रैक्टर जल्दी गर्म ना हो सके। ये पूरा सिस्टम है देखिए, ये डीजल टैंक है इसका यहाँ पर, ये इंजन है आप देख पा रहे हो, टर्बो भी लगा है इसमें 55 HP टर्बो, 34 CC का डीजल इंजन। और जो पंप है वो इन्हीं का है, कुबोटा वालों का। चलिए और इंजन के बारे में बता देता हूँ, इंजन कौन सा लगा हुआ है इसमें। जो इंजन है वो है कुबोटा V2403 MIDIT, जो इंजन का जो टाइप है वो है, मतलब कुबोटा का V2403 है। और इनलाइन पंप है इसमें, ECDIS टेक्नोलॉजी यूज की गई है इसके इंजन में। और 4 सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिलेगा, माफी चाहूंगा कई बार थोड़ा हकलाहट आ जाती है। तो लिक्विड कूल इंजन है इसमें आपको मिलेगा 4 सिलेंडर का। और इसके इंजन के बारे में एक विशेषता है कि 16 वॉल्व है इसमें टोटल, मतलब हर एक पिस्टन के साथ आपको 4 वॉल्व मिलेगी, 2 इन के लिए और 2 आउट के लिए। दोस्तों मैंने बोनट बंद कर दिया, हो सके कुछ इंजन के बारे में रह गया होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि काफी सारी चीजें होती है ट्रैक्टर में जो हम वीडियो में नहीं बता पाते, जितना भी दिखता है सामने उसी चीज को बता पाते हैं। यहाँ पर एक चीज और मैं बताना पहले भूल गया था, देखिए ये यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फिल्टर मिलेगा, जो कि जो इसमें ऑयल है पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल है
और जो इसका गेज का ऑयल है, जो पीछे रोटरी का जो जहां से ट्रॉली उठाते हैं वो वाला ऑयल है, वो एक ऑयल है। मतलब इसलिए अलग से पावर स्टीयरिंग का कोई ऑयल नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि अंदर जो शाफ्ट है वो घिसती है, तो उसमें हल्का हल्का कहीं से लोहे के कोई कण है वो पावर स्टीयरिंग में ना चले जाए, पावर स्टीयरिंग के फ्यूल में ना चले जाए, इसके लिए मैग्नेटिक फिल्टर दे रखा है इन्होंने। और देख पा रहे हो डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है ये। कुछ विशेषताएं मैं इस ट्रैक्टर की फटाफट आपको बता देता हूं इस वीडियो में, कुछ चूक जाऊं तो बता देना दोस्तों, मैं दोबारा एक वीडियो और बना दूंगा। और इसके जो टायर हैं ये देखिए, इनके जो टायर हैं ये रिम अंदर की तरफ लगा हुआ है। कंपनी वालों का कहना है कि आप इस टायर को अगर पलटी कर लेते हैं, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे ये रिम अभी अंदर है, बाकी टायरों में क्या ट्रैक्टरों में क्या होता है कि बाहर तरफ होती है, तो पलटी करके आप इसका डिस्टेंस 6 इंच तक और बढ़ा सकते हैं। मतलब दोनों टायर अगर अपन उल्टे करके लगा दें, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, तो 6 इंच इसकी चौड़ाई और बढ़ जाएगी पीछे से। तो चलिए फटाफट इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन से ये उपकरण चलाएगा। ये रोटावेटर चला लेगा, 8 फीट तक तो नॉर्मल चलाएगा, ये हार्ड सॉइल है तो फिर 7 फीट का, और बाकी 10 फीट का रोटावेटर भी चला लेगा। पोटैटो डिगर चला लेगा, पोटैटो प्लांटर चला लेगा, डोजर चला लेगा, हार्वेस्टर चला लेगा, स्ट्रॉ रीपर चला लेगा, लोडर चला लेगा। लोडर 5 या 6 फीट का, 6 फीट का है अगर 12 से 15 फीट की हाइट लोगे तो, और 5 फीट का भी लगा सकते हो। ट्रॉली खींच लेगा, हॉलेज इसकी बात करूँ तो 250 फीट की ट्रॉली तो आराम से खींच लेगा, क्योंकि सामने वजन बहुत ज्यादा है। और इसके बाद अगर फ्लैट सरफेस है, रोड साफ है, तो बड़ी ट्रॉली भी खींच लेगा, 2-3 ट्रॉली भी खींच लेगा। जनरेटर चला सकता है पानी निकालने के लिए, डिस्क हैरो चला सकते हो आप इसमें, 8-8 की तो नॉर्मल चला सकते हो, 9-9 की चला सकते हो, 11-11 की, 12-12 की अगर आती है तो, क्योंकि मुझे डिस्क हैरो की नॉलेज है नहीं, चला सकता है। कल्टीवेटर 11-3 का तो नॉर्मल चलाएगा, और सॉफ्ट सॉइल है तो 13-3 का, तो 13-3 का भी चला लेगा। और पोटैटो प्लांटर चला सकता है। प्लाऊ की बात करूँ तो 2 MB रिवर्सेबल प्लाऊ कंपनी कहती है, और 3 MB भी चला सकते हो, बट 3 MB रिवर्सेबल प्लाऊ बहुत बड़ा हो जाता है। मीडियम साइज का 3 MB रिवर्सेबल प्लाऊ इसमें आप चला सकते हो, और बाकी जो 2 MB रिवर्सेबल प्लाऊ है वो आप फुल साइज का चला सकते हो, बड़े वाला भी। और कंपनी का इस ट्रैक्टर के बारे में क्या कहना मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर जो मैं क्या क्या लिखा है, यहाँ पर ड्यूअल क्लच कंपनी दे रही है, शटल शिफ्ट दे रही है, OIB वेट डिस्क ब्रेक दे रही है आपको, और पावर स्टीयरिंग, बैलेंस पावर स्टीयरिंग आपको इसमें मिल जाएगा। काफी सारी विशेषताएं ट्रैक्टर में, काफी बढ़िया ट्रैक्टर है ये। और जो इसका PTO HP है वो है आपकी इसके अराउंड समथिंग 50 HP के इसका PTO है, 35 kW का PTO, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर। और जो इसमें कंपन है वो 0 बताती है कंपनी के, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है ट्रैक्टर में। कुछ विशेषताएं और है इसमें, जैसे कि फ्रंट ओपनिंग हुड है वो सिंगल, मतलब सिंगल क्लिक के साथ आपका खुल जाता है। रात में भी जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसमें LED लगी है तो दिक्कत नहीं होती। जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल फ्लैट है इसका, और शटल शिफ्ट है, शटल शिफ्ट मतलब मैं इसको शटल मैच भी कहता हूँ, शटल शिफ्ट है मतलब इसमें रिवर्स गियर तो है ही नहीं ट्रैक्टर में, रिवर्स गियर नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ चौथे गियर में भी अगर रियर गियर चौथा है तो आप सीधा इसमें चला सकते हो, रिवर्स ले सकते हो। और जो लिफ्टों की क्षमता है वो 2100 kg की है। अब दोस्तों जो इसका CC है वो कम है, लेकिन कंपनी वालों का कहना है कि ट्रैक्टर CC के हिसाब से नहीं, हम HP के हिसाब से दे रहे हैं, और जो इसकी पावर है उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर ये तो अब जो किसान भाई यूज कर रहे हैं वही जानते हैं, इसके बारे में मैं कोई भी अपनी ओपिनियन नहीं देना चाहता। और ये पूरा जो चार्ट है यहाँ पर, सर्विस चार्ट है ये पूरा, मैं आपको इसकी एक फोटो भी मैं साइड में ऊपर लगा दूंगा, ताकि आप लोग इसको पहले से आप जूम करके और पोज करके अच्छे से देख लेना, जो कोई कुबोटा, हमारा भाई कोई कुबोटा खरीदने जा रहा हो तो। अब इसकी जो सर्विस है वो 250 घंटे में होती है, जो गैपिंग है वो 250 घंटे की, जो कि कम है थोड़ी बाकी ट्रैक्टरों की तुलना में, 250-400 आजकल, अगर ट्रैक्टर सही है तो 400-500 घंटे तक तो नॉर्मल होना चाहिए। वैसे कंपनी इसको 250 घंटे का कह रही है, ये थोड़ा कम है, ये इसका डिसएडवांटेज है ट्रैक्टर में। और बाकी तो मुझे इसमें कोई ऐसा लगा नहीं, क्योंकि 65 लीटर का डीजल टैंक भी आपको मिल जाता है, डबल एक्टिंग, जो इसकी जो वारंटी है वो 5 साल की बताना चाहता हूँ। और इसमें पावर स्टीयरिंग की वारंटी है, लिफ्टों की वारंटी है, PTO की वारंटी है, इंजन की वारंटी है, काफी सारी वारंटी है, और ये फुल वारंटी है, एक्सटेंडेड वारंटी नहीं है कि 3 साल बाद खत्म हो जाएगी तो वापस आपको दोबारा लेनी पड़ेगी। और ये जो पावर स्टीयरिंग की ऑयल सील है इसकी भी आपको गारंटी देते हैं, और इनका कहना है कि ऑयल सील की कटने की जो उम्र है बाकी ट्रैक्टरों से 4 गुना है। अब ये तो जो किसान भाई यूज करते हैं वही बताएंगे।
और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 415 mm का वो बहुत अच्छा है। और इसकी एक विशेषता और मैं आपको बताता हूँ कि कई ट्रैक्टरों की क्या होती है, जो पावर स्टीयरिंग की जो ये रॉड लगी हुई है ये इसके नीचे होती है, एक्सल के थोड़ा नीचे होती है, तो खेत की मेड़ में टच होने का चांसेज रहते हैं, लेकिन ये फ्लैट करके दे रखी है उन्होंने। और जो इसका GC है वो काफी अच्छा है, और ये जो फ्रंट एक्सल है वो एडजस्टेबल है, तो और ये जो चौड़ाई है अपनी श्रेणी में सबसे सर्वोत्तम है। और वेट तो आप देख पा रहे हो, बहुत हैवी वेट दे रखा है सामने से, ट्रैक्टर काफी हैवी लगता है, हाथी लगता है। अब इसके प्राइस की बात मैं आपको दोस्तों बता दूं तो इसका प्राइस अराउंड समथिंग 780 करीब है, और ये डिपेंड करता है कि कौन से डीलर से आप ले रहे हो, ऊपर नीचे भी हो सकता है, 10,000-20,000, 50,000 भी ऊपर नीचे हो सकता है। प्राइस के लिए मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं, क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग प्राइस होता है। अराउंड समथिंग 780 के है, 8 लाख का आपको ट्रैक्टर पड़ जाएगा ऑन रोड ये लगभग। तो दोस्तों और कोई चीजें अगर छूट गई हो तो बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।